हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथ्स के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। आवर टॉपिक है मेंसुरेशन। बहुत बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम मैथ्स से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए। मैथ्स तो मेरा वैसे ही बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मेंसुरेशन, मींस हमारा क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगल, स्फीयर, सर्कल, एंड फिर आप उन फॉर्मूलेज को अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना मेंसुरेशन चैप्टर। बट उससे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि इनके प्रूफ जो होते हैं, बेसिकली ये फॉर्मूलेज कैसे आए हैं। तो इससे क्या होगा कि आप लाइफ में इनकेस कभी फॉर्मूला भूल भी जाएं तो आप इजीली उसको कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग स्क्वायर। सभी ने डाइस यूज किया है, लूडो खेला है सभी ने। लूडो के केस में क्या होता है, देखिए इस टाइप का नजर आता है, लेकिन उसके सिक्स फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? सिक्स फेसेस होते हैं। बट स्क्वायर के केस में क्या होता है? सिंपल आपका वन फेस। क्या होता है स्क्वायर के केस में? सिंपल बॉक्स टाइप होता है। लेकिन स्क्वायर में आप जैसे देख सकते हैं, स्क्वायर में क्या होता है कि देखिए, दिस इज योर स्क्वायर, स्क्वायर, ओके। देखिए अब स्क्वायर में ये होती है हमारी साइड, दिस इज साइड होती है। सो स्क्वायर में आप मुझे ये बताएं इसमें कितनी साइड्स हैं? वन, टू, थ्री एंड फोर। सो स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं आपकी? फोर साइड्स होती हैं। दैट्स इट, फाइन। अब अगर आपको कोई कहे कि आपके पास एक स्क्वायर है एंड आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है एंड उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सो ध्यान से सुनेंगे। सबसे फर्स्ट टर्म मैंने आपके सामने बोला भी, व्हाट इज पेरीमीटर? बेसिकली पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर फाइंड आउट करने से पहले आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर होता क्या है। सो पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स है उन सभी का सम, उन सभी का जोड़। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर होता है। अभी हमने डिस्कस किया स्क्वायर के रिगार्डिंग। स्क्वायर में आपकी जो सभी साइड्स होती हैं वो सभी इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सपोज मैं इस साइड को, इफ आई एम लेटिंग इट ए, अगर मैं इस साइड को ए लेट कर रही हूँ तो सभी साइड्स इक्वल हैं। दिस विल ऑल्सो बी ए, दिस विल ऑल्सो बी ए एंड दिस वन ऑल्सो ए। सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो उनके डायमेंशंस भी इक्वल होंगी। देखिए ए का मीनिंग क्या है? ए का मीनिंग है कि कोई भी मेजरमेंट, ये 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 8 सेंटीमीटर भी, 10 सेंटीमीटर भी, एनी मेजरमेंट। ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप हमेशा इसको ए ही लेट करें। यू कैन टेक इट एज एक्स ऑल्सो, यू कैन टेक इट एज बी ऑल्सो, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, सो सभी साइड्स इक्वल हैं, सो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। सो अगर मैं यहां से फर्स्ट साइड लूं ए, इफ आई एम टेकिंग दिस साइड बी मीन्स ए, थर्ड साइड इज अगेन ए एंड फोर्थ साइड इज अगेन ए। ठीक है, सो द सम हो गया, एडिशन हो गया सभी साइड्स का, 1 2 3 4। कितने ए हैं यहां पर? 4 ए हैं। सो पेरीमीटर इज 4 ए। हूज पेरीमीटर इज दिस? द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो यहां से आपका जो है फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आया है, विच फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल साइड्स इज पेरीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a। इसको दिमाग में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके सभी क्वेश्चंस में यूज होगा। सबसे इजी फॉर्मूला है, जस्ट आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है? वैल्यू पुट करनी है। सो आई विल शो यू दिस विज एन एग्जाम्पल। सी, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, सो यहाँ पर कितना साइड गिवन है स्क्वायर का? 8 सेंटीमीटर। Then you have to find the perimeter. What you have to find? Perimeter. ठीक है, so A का meaning क्या है? जो हमारी square की side है, that is A. So यहाँ पर square की side कितनी है? 8 सेंटीमीटर। Just put it in the formula. 4 into 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4A का meaning क्या है? कि जो 4 है वो A के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। सो 4 into 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 4 32 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया आपका? 32 सेंटीमीटर। कितना इजी है, जस्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना है, हमने प्रूफ देख लिया है एंड देन यू हैव टू जस्ट प्लेस द वैल्यू, फाइन। सो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द स्क्वायर।
स्क्वायर में देखिए, अब आपने पेरीमीटर तो निकाल लिया, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अब अगर हमें निकालना हो कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, क्या होता है स्क्वायर का एरिया, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फिगर का एरिया जब आपको फाइंड आउट करना होता है, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। देखिए दिस इज बेसिकली लेंथ, दिस इज ब्रेथ, एंड अगर हम हाइट की बात करें तो दिस इज हाइट। आई विल शो दिस विद एन ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज द लेंथ, ठीक है, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। लेंथ उसकी लंबाई कितनी है, ब्रेथ उसकी चौड़ाई कितनी है, एंड हाइट उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। सो एरिया के स्क्वायर में भी आपको यही चाहिए। एरिया और स्क्वायर क्या है, बेसिकली स्क्वायर एक 2D फिगर है, मींस 2-डायमेंशनल फिगर है, जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती हैं। व्हाट इज देयर, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। सो इस केस में दिस इज द स्क्वायर, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ है, सो दिस विल बी द लेंथ एंड दिस विल बी द ब्रेथ। वैसे होता क्या है कि जो लेंथ होती है ना, वो एज कम्पेयर टू ब्रेथ बिग होती है, बट स्क्वायर के केस में क्या है, सभी साइड्स इक्वल हैं। सो इससे हमें क्या पता लगेगा कि लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ के इक्वल है, बिकॉज सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रेथ मीन्स इसकी चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर के केस में लेंथ सपोज हमने ए लेट की, ए क्या है, एनी साइड, ठीक है। अभी हमने क्या लेट किया, ये लेंथ है, ये है हमारी ब्रेथ, इसको भी हमने ए लेट किया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, दिस इज ऑल्सो साइड। सो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स साइड मल्टीप्लाई साइड, लेंथ इज ऑल्सो साइड, ब्रेथ इज ऑल्सो साइड, सो साइड मल्टीप्लाई साइड इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये देखें यहाँ पर साइड कितना गिवन है, ए गिवन है, एंड यहाँ पर ब्रेथ कितना गिवन है, ए गिवन है। सो हमने वैल्यूज पुट की, फाइन वैल्यूज पुट की हमने, यहाँ से हमें क्या पता लगा, ए इंटू ए का मीनिंग क्या होता है, 2a नहीं होता, बिकॉज एडिशन के केस में होता है ऐसा, ए प्लस ए। सो जब मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में वो पावर में चले जाते हैं, ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स जो होती हैं 1-1 है तो ऐड हो जाती हैं। अब आप सोचेंगे पावर क्या होती है, ये आपका नंबर है, इसके ऊपर जो होती है हमारी अपर वैल्यूज, दैट इज द पावर, कुछ भी रिटर्न नहीं है तो 1 होता है, ठीक है, 1 एंड 1, जब बेस यानी ए ए सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, सो ए स्क्वायर। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीनिंग साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। सो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई, वेट अ मिनट आई एम रबिंग दिस पोर्शन ऑल्सो, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। सो यहां पर ये दिस विल बी साइड स्क्वायर। सो ये किस चीज का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है, प्रूफ हमने डिस्कस कर लिया है, वैल्यूज आपको पुट करनी है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 15 सेंटीमीटर, जस्ट सब्स्टिट्यूट 15 सेंटीमीटर इनटू द फॉर्मूला, ठीक है। सो 15 सेंटीमीटर इज द साइड, साइड स्क्वायर मीनिंग साइड इनटू साइड, सो वन साइड इज 15, अदर साइड इज ऑल्सो 15, एरिया हमेशा आपका स्क्वायर में होता है, बिकॉज यहाँ की भी सेंटीमीटर वैल्यू, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर वैल्यू, इस केस में दोनों सेंटीमीटर बेस सेम तो पावर 2 हो जाएगी आपकी, सो 15 इंटू 15 इज
225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 15 × 15 इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। बिल्कुल, मैंने बहुत जल्दी किया है, इसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाती हूँ। उससे पहले आप ये ध्यान से समझे, हमें स्क्वायर पता है, फोर साइड्स होती हैं स्क्वायर में, टू डायमेंशनल फिगर है, लेंथ एंड ब्रेथ होती है। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन में हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। इस क्वेश्चन में हमने एरिया फाइंड आउट किया, एरिया इज बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ, फाइन। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड इंटू साइड, क्यों, बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर सेम। ठीक है, सो साइड स्क्वायर हो जाएगा, क्वेश्चन गिवन है, स्क्वायर की साइड गिवन है 15 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड आउट करना है, सो पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने 15 × 15 अगर आपको जल्दी से मल्टीप्लाई करना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना, ये सिर्फ उस चीज के लिए वैलिड है जिसके वंस प्लेस पे, कहां पर, वंस प्लेस पे 5 होगा। ठीक है, जब भी वंस प्लेस पे 5 होगा वहां पर ये शॉर्ट ट्रिक वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका है 5 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली आप 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 25, वेरी इजी। 15 के केस में क्या होगा, आपने देखा वंस प्लेस पे आपका 5 आ गया है, वंस प्लेस पे क्या है 5, इस केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट वर्क होगा आपका 5 का आपको स्क्वायर लिखना है एज इट इज। 5 का स्क्वायर मीन्स 5 × 5, सो 5 का स्क्वायर विल बी 25। ठीक है, अब जो आपकी टेंस प्लेस पे वैल्यू है, इस वैल्यू को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सो 1 से नेक्स्ट नंबर विल बी 2, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 5 आ गया आपका। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सो फर्स्ट वर्क क्या होगा, वंस प्लेस पे 5 गिवन है, इसका स्क्वायर एज इट इज राइट डाउन करें, 5 × 5 = 25, 2 है अब इसको नेक्स्ट नंबर इज 3, 3 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 5। ऐसे ही आप 35 का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ 5 के लिए वैल्यूएबल है लेकिन, ठीक है ना, भूलना नहीं है इस चीज़ को, 5 का स्क्वायर विल बी 25, 3 से नेक्स्ट नंबर विल बी 4, 4 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12, 1 × 2 = 5, सिंपल, बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा, बिल्कुल इसको याद रखें अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे अ सिमिलर फिगर विच इज लाइक अ स्क्वायर। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर से रिलेटेड फिगर, स्क्वायर 1, इसमें हमने एक और स्क्वायर ऐड कर दिया, देन हमने इनकी सारी पॉइंट्स को क्या कर दिया, जॉइन कर दिया है। ठीक है, ये आपको किसके जैसा नज़र आ रहा है, ये आपको डाइस के जैसा नज़र आ रहा है, किसके जैसा नज़र आ रहा है आपको, ये डाइस जो आप लूडो खेलते टाइम यूज़ करते हैं, डाइस जिसके 6 फेसेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग्स भी राइट डाउन होते हैं उस पर। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, दिस इज क्यूब, क्या है ये आपका, क्यूब है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, ये भी स्क्वायर के जैसा ही है, बट इसमें आपका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट भी आ जाती है, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट, लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई। ठीक है, लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई, लेकिन जो हमारा क्यूब है 3 डायमेंशनल फिगर हो गया, बिकॉज इसमें 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में क्या था, सभी साइड्स इक्वल थी, क्यूब के केस में भी यही है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर आपकी ये साइड ए होगी, दिस विल ऑल्सो बी ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, एवरी पार्ट इज ए, बिकॉज ये स्क्वायर्स को ज्वाइन करके ही बनाया जाता है, सो ऑल साइड्स ऑफ द क्यूब आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, सो इसका हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं, सबसे फर्स्ट हम क्यूब से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, सो नेक्स्ट इज आवर क्यूब, नेक्स्ट इज क्यूब,
क्यूब में आपके सिक्स फेसेस होते हैं, सिक्स फेसेस बेसिकली, एंड इट इज अ 3D फिगर। ठीक है, अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ अच्छे से आपको। ये है आपका क्यूब, सभी साइड्स इक्वल है, देन अनदर वन, एंड देन वी विल जॉइन ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, यस। देखिए ये आपका क्यूब है। अब क्यूब में आपको क्या कहते हैं, हमारा जो एरिया बेसिकली इसमें डिस्कस होता है वो होता है सरफेस एरिया। क्या होता है सरफेस एरिया, इसमें डिस्कशन होता है इस चीज़ का। सो सरफेस एरिया बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले आप ये नोट डाउन करेंगे कि क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं बेसिकली, एंड देन हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो देखिए एरिया तो हमने अभी डिस्कस किया था। एरिया क्या होता है आपका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, देखिए अब ध्यान से सुनेंगे सभी। हम यहाँ पर इसको नेमिंग कर रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर सिक्स के सिक्स फेसेस राइट डाउन करके दिखाती हूँ। फर्स्ट फेस विल बी ए बी सी डी, दिस वन ए बी सी डी, ये फ्रंट में है। देन इसके बैक साइड में भी होगा, दैट विल बी ई एफ एच जी। सेकेंड विल बी ई एफ एच जी, दिस वन ई एफ एच जी। ठीक है, अब हम अपर एंड लोअर पार्ट की बात करेंगे। सो अपर विल बी ई एफ बी ए, दिस इज द थर्ड फेस, ई एफ बी ए अपर है, देन लोअर फेस विल ऑल्सो बी देयर, सो दिस इज द लोअर फेस, जी एच डी सी, जी एच डी एंड सी। देन वी विल डिस्कस अबाउट द बोथ द साइड्स। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट साइड एंड दिस इज द सेकेंड साइड। सो फर्स्ट साइड विल बी ए ई जी सी, एंड सिक्स्थ साइड विल बी एफ एच डी बी। ठीक है, सो दीज आर ऑल द सिक्स फेसेस ऑफ द स्क्वायर। यू कैन काउंट फ्रॉम हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो यहां से हमें क्या पता लगा कि इन द क्यूब देयर आर सिक्स फेसेस। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। सो सरफेसेस कितने हैं, सिक्स सरफेसेस हैं। एरिया क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर होता है हमारा एरिया। सो साइड स्क्वायर के केस में दिस इज ए ए, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो ऑल द साइड्स आर ए। ठीक है, सो हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, साइड इज ए, ए का स्क्वायर, सो दिस विल बी 6a स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज 6a स्क्वायर। सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कि जितने भी सरफेसेस हैं उन सभी का जब हमने एरिया फाइंड आउट किया, सो दैट विल बी 6a स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। सरफेसेस कितने हैं, बेसिकली फेसेस कितने हैं, सिक्स फेसेस हैं, सो 6a स्क्वायर। फाइन, सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड इट्स प्रूफ। नाउ वी विल क्लियर दिस विद अ फॉर्मूला। सी, यहां से आपको पता लग गया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, सेम क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ क्यूब, सपोज आपने लेट की, इफ द साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बट यू हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। Just substitute the value, a means side, so side is 10 square, so 10 square means 10 multiply 10, ठीक है, so this will be 10 tens are 100, and as it is 6, 6 into 100 is 600, unit is centimeter, so centimeter square, why, because the area is always in square. फ्रेंड्स, हमने डिस्कस कर लिया है सरफेस एरिया, डिस्कस किया है हमने किसका, क्यूब का। ठीक है, अब हम अपना थर्ड फिगर डिस्कस करेंगे, दैट इज
रेक्टेंगल. ओके, इन द प्रीवियस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो अभी हमने क्यूब एंड स्क्वायर डिस्कस किया था, कि रेक्टेंगल बेसिकली आपका टू डायमेंशनल फिगर है. रीजन इज लेंथ एंड ब्रेड्थ, दैट्स इट. इसमें आपकी लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है. स्क्वायर की तरह इसमें सभी साइड सेम नहीं होती हैं. लेंथ एंड लेंथ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. दिस इज लेंथ, दिस विल ऑल्सो बी लेंथ. दिस इज ब्रेड्थ, देन दिस विल ऑल्सो बी ब्रेड्थ. ठीक है, सो ये रेक्टेंगल के केस में होता है. रेक्टेंगल का अब हम अगर पैरामीटर फाइंड आउट करें, सो पैरामीटर हमने डिस्कस किया था सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, सो फर्स्ट साइड में आपकी, सपोज हम इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी. सो फर्स्ट साइड इज ए बी, सेकेंड साइड इज बी सी, थर्ड साइड इज सी डी, एंड फोर्थ साइड इज डी ए. ठीक है, सो ए बी आपकी एल है, एल मीन्स लेंथ. बी सी इज बी मीन्स ब्रेड्थ. सी डी इज अगेन एल, एंड डी ए इज अगेन बी. आप यहां से देख सकते हैं एल प्लस एल, कितने एल है यहां पर, 2L. एंड सेम यहाँ पर 2B है. 2 वी विल टेक एज कॉमन, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम वैल्यू रहेगी. सो द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2L प्लस B. ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन सपोज गिवन है आपको कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको गिवन है सपोज 4 सेंटीमीटर, सो यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर. आपको फाइंड आउट करना है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द फॉर्मूला. सो 2, एल इज 2 एंड बी इज 4. ठीक है, 4 प्लस 2 इज 6 एंड 6 इंटू 2 इज 12. ठीक है, सेंटीमीटर. पैरीमीटर में कभी भी स्क्वायर की यूनिट्स नहीं आएंगे, बिकॉज पैरीमीटर बेसिकली सम होता है. ठीक है ना, जब हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है उसमें मल्टीप्लीकेशन आ जाती है, इसीलिए उसकी पावर स्क्वायर हो जाती है. सो पैरीमीटर विल बी 12 सेंटीमीटर. यहाँ से आपको पता लग गया पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2L प्लस बी. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. फाइन, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो अभी हमने डिस्कस किया था किसी भी चीज़ का, अगर ऑब्जेक्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, सो द एरिया विल बी ऑलवेज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. सिंपल फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. ठीक है, डायरेक्ट यही फॉर्मूला ही है रेक्टेंगल का. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. जब आप इस लेंथ को इस ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द एरिया. सपोज लेंथ है आपकी 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज योर 4 सेंटीमीटर. पुट द वैल्यू 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर. यू विल गेट हेयर एज 4 टू द 8 सेंटीमीटर. यूनिट विल बी स्क्वायर, बिकॉज एरिया आपको स्क्वायर में फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, सो दिस इज द रेक्टेंगल. अब हम एक फिगर डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड टू रेक्टेंगल है. सिमिलर काइंड ऑफ मीन्स, जब हम बहुत सारे रेक्टेंगल्स को कंबाइन करेंगे, देन वी विल गेट दैट फॉर्मूला एंड दैट फिगर ऑल्सो. सो द फिगर इज क्यूबॉइड. बहुत सारे रेक्टेंगल्स को मर्ज करके आपका क्यूबॉइड फॉर्म होता है. ठीक है, सो वी विल ड्रॉ हेयर एज क्यूबॉइड. दिस इज द क्यूबॉइड. ठीक है, सो क्यूबॉइड के केस में दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई एंड हाइट इज ऊंचाई. ठीक है, सो दिस इज जस्ट सिमिलर लाइक अ क्यूबॉइड. ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक क्यूबॉइड है. दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ, दिस वन इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट. ठीक है, सो आप पहले इस फिगर को देखें, ऑब्जेक्ट को देखें. आप वन फेस, टू फेस, थ्री फेस, फोर फेस, फाइव एंड द डाउनवर्ड इज सिक्स फेसेस है, सेम. ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको सारों का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, सो एरिया में क्या करेंगे, आपके पास सिक्स फेसेस ऑलरेडी आ चुके हैं. ठीक है, अब जब हम इस फर्स्ट एरिया का फाइंड आउट करेंगे, तो जब हम फर्स्ट फेस देख रहे हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, लेंथ एंड ब्रेड्थ. ठीक है, सो यहाँ से हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ मिलेगा. सिमिलर यहाँ पर भी सेम है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, टू लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गई. फिर हमें यहाँ से जब हम बात करेंगे ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, दो बार ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगी. देन लेंथ इंटू आपकी जो है बेसिकली हाइट हो जाएगी, लेंथ इंटू हाइट. सो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको
फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर नेमिंग कर रही हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले ए बी जी एच की बात करें, ए बी एच जी सॉरी लोअर पार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट फेस इज ए बी एच जी। आप देख सकते हैं ए बी एच जी जो है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ ही इसकी डायमेंशन है। सो ये हमारा लोअर सरफेस। अब हम जब अपर सरफेस की बात करेंगे, दोनों सेम है, ठीक है। सो इस केस में भी दिस विल ऑल्सो द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ। सो जब हम सेकेंड पोर्शन मीन हम बात करेंगे सी डी एफ ई की, सो उस केस में भी लेंथ एंड ब्रेथ विल बी देयर, ठीक है, फाइन। अब हम बात करते हैं साइड सरफेस। साइड सरफेस मीन्स बी एच एफ डी, दिस इज द थर्ड सरफेस बी एच एफ डी। बी एच एफ डी के केस में आप देखें ब्रेथ गिवन एंड हाइट गिवन है, सो यहाँ पर एरिया क्या होगा आपका, ब्रेथ इंटू हाइट। अब हम लेफ्ट साइड के सरफेस पे शिफ्ट हो जाते हैं, ए जी ई सी, दिस इज द फोर्थ सरफेस ए जी ई सी। इस केस में भी आपका ब्रेथ है, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारा अपर सरफेस हो चुका है, हमारा लोअर सरफेस हो चुका है एंड हमारा साइड सरफेस हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो फ्रंट सरफेस है, जो हमें बेसिकली नज़र आ रहा है, नज़र कौन सा सरफेस आ रहा है, ए बी डी सी, दिस इज द फिफ्थ सरफेस ए बी डी सी। इस केस में लेंथ एंड हाइट देखें, लेंथ ए बी एंड हाइट इज ए सी, यही हमने सरफेस लिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेम है आपका बैक साइड पोर्शन, मीन्स जी एच एफ ई, जी एच एफ ई, सेम उस सिचुएशन में भी आपका एल इंटू एच। दोबारा इसे ऑब्जेक्ट से समझते हैं, ये है आपका फ्रंट फिगर जो आपको नजर आ रहा है बेसिकली। सो आपको नजर कौन सा फिगर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है आपका ए बी डी सी, ए ए बी डी सी, लेंथ है एंड हाइट है, ठीक है। हमने लेंथ एंड हाइट लिया, सेम बैक सरफेस की भी होगी, दिस सरफेस दोनों हो गए हैं कवर, ठीक है। अब हम अपर एंड लोअर सरफेस की बात करते हैं, अपर मीन्स सी डी एफ ई एंड लोअर मीन्स ए बी एच जी। उस केस में लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो हमने राइट डाउन कर लिया है। अब हम साइड सरफेसेस की बात करेंगे, दिस सरफेस बी एच एफ डी, ये है आपकी ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट टू टाइम्स। सो ये है हमारी सभी डायमेंशंस। सो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके हैं सिक्स सर्फेसिस। सो जब भी आपसे पूछा जाए वट इज द टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, वट इज द मीनिंग ऑफ टी एस ए, टी एस ए मीनिंग टोटल सरफेस एरिया, जितने भी सरफेसेस हैं उनका टोटल एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सो कितने फेसेस हैं यहाँ पर, बेसिकली सिक्स फेसेस हैं, सभी की हमने डायमेंशंस यहाँ पर राइट डाउन कर दी है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से राइट डाउन करके। सो हमने अभी लिखा था यहाँ पर कि जितने भी सिक्स सरफेसेस हैं उनकी टू टाइम्स था आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, टू टाइम्स था आपका लेंथ मल्टीप्लाई हाइट एंड टू टाइम्स था आपका ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यही था हमारा एंड यही आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, कि हमारे जितने भी सरफेसेस हैं उन सब का हमने एरिया फाइंड आउट किया है, यही आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक बॉक्स है, सपोज क्यूबॉइड ही है वो आपके पास, लेकिन ये अपर से ओपन है, ठीक है ना। अगर वो ऊपर से ओपन है और सपोज आपको उसको पूरी शीट से कवर करना है, जैसे सपोज एग्जांपल करते हैं कि आपके पास एक डाइस है, डाइस को आपको पूरा कवर करना है। सो जब उसको पूरा कवर करेंगे तो सिक्स के सिक्स फेसेस कवर होंगे, सो उस सिचुएशन में तो ये फॉर्मूला परफेक्ट है। लेकिन जब बात होगी कि आपको अपर सरफेस ओपन रखना है, उसको कवर नहीं करना है, तो वहां से आपका एक सरफेस कम हो जाएगा, मीन्स आपके फाइव सरफेसेस जो हैं, फाइव जो सरफेसेस होंगे वो आपके रह जाएंगे। सो उस सिचुएशन में अपर सरफेस जो है उसको कवर नहीं किया है, अगर हम इस सरफेस को कवर नहीं करेंगे तो कौन कौन सी डायमेंशंस जो है वो कट हो जाएंगी। सो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द
ब्रेथ, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ. सो एक टाइम आपका लेंथ इंटू ब्रेथ कट डाउन हो जाएगा. सो जो ये लेंथ इंटू ब्रेथ ट्वाइस है वो वहां पर सिंगल रह जाएगा. किस सिचुएशन में? जब आपका ऊपर वाला सरफेस कट हो जाएगा. ठीक है, सो ये है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अगर आपके पास लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, एल इज 2, बी इज 1, देन एल इज 2 सेंटीमीटर, हाइट इज 3 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ इज 1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर. जस्ट सॉल्व इट. 3 2 6, 1 3 3, देन अगेन 2, ब्रैकेट 2 मीन्स के दोनों मल्टीप्लाई में. ठीक है, 2 into 2 4, प्लस 6 2 12 एंड 3 2 6, देन यू विल गेट द आंसर. 6 + 4 = 10, 10 + 12 = 22. सो द टोटल सरफेस एरिया इज 22 cm² ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है, आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे. अब हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में जो जो हमने रीड आउट किया एज इन अ शॉर्ट व्यू, कि कौन कौन से फॉर्मूलेस थे, क्या क्या हमने डिस्कस किया. सो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था स्क्वायर से. स्क्वायर का पैरीमीटर हमने फाइंड आउट किया था. पैरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, 4 साइड्स है, सो पैरीमीटर विल बी 4a. सेकेंड हमने एरिया फाइंड आउट किया था स्क्वायर का. एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, बेसिकली साइड स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया स्क्वायर का एरिया एंड स्क्वायर का पैरीमीटर. सेकेंड हमने डिस्कस किया था क्यूब. क्यूब में फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. उसका हमने टोटल सरफेस एरिया में सभी फेसेस का सरफेस एरिया फाइंड आउट किया था. 6 सरफेसेस है, एरिया होता है आपका साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया है 6a² ऑफ क्यूब. देन हमने डिस्कस किया रेक्टेंगल. रेक्टेंगल एक 3-डायमेंशनल फिगर है, लेंथ ब्रेड, सॉरी रेक्टेंगल एक 2-डायमेंशनल फिगर है, लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है. सो उस केस में जो आपका पैरीमीटर बेसिकली था सम ऑफ ऑल साइड्स, सो पैरीमीटर था आपका 2l + b, एंड जो आपका एरिया था दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दिस इज द एरिया. ठीक है, देन हमने डिस्कस किया आपका 4th फिगर, दैट इज द क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का हमने टोटल सरफेस एरिया डिस्कस किया. सो टोटल सरफेस एरिया में सभी सरफेसेस का एरिया एंड दैट इज 2lb + bh + lh. ठीक है, सो ये था आपके सारे फॉर्मूलेस जो आज हमने डिस्कस किए हैं, उनके प्रूफ डिस्कस किए. देखिए ऐसा नहीं है कि आपके कहीं कि हमें प्रूफ नहीं चाहिए था, डायरेक्ट फॉर्मूला इज वेरी इजी, बट प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप कभी भी अगर क्वेश्चन भूल जाएं या अब उसका जो क्या कहते हैं हमारे फॉर्मूलेज आपके माइंड से स्किप हो जाए तो आप उसको ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हैं. एंड देन हमने डिस्कस किया था आपका क्यूब, मीन्स बेसिकली आपने डिस्कस किया था आपका स्क्वायर फाइंड आउट करना, किसका, जिसके वंस प्लेस पे 5 होता है. सो उस केस में हमने अपना डिस्कस किया कि कैसे वंस प्लेस पे 5 होने के बाद हम उसका शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज द वीडियो, प्लीज़ वॉच इट. एंड आपको अगर इसमें कोई भी सजेशंस देने हैं या फिर आपको कैसी लगी वीडियो एंड इससे रिलेटेड वीडियो जो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं.